हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया प्रैक्टिकल के साथ फिर से करने जा रहे हैं, है ना। जैसे कि दिख रहा होगा आपको, आज हम रेडवुड बिस्कोमीटर बंद की बात करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा पहले एक ऑब्जेक्ट देख लें, अपन ऑब्जेक्ट क्या लिखा है थोड़ा सा अपन रीड कर लें। क्या है, टू स्टडी द चेंज इन विस्कोसिटी, है ना, ऑफ ऑयल वायर रेडवुड विस्कोमीटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब रेडवुड वन है ना, इसके बारे में ना, तो विस्कोसिटी क्या होती है पहली बात, है ना। व्हाट इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है। द विस्कोसिटी ऑफ आर फ्लूड्स इज अ मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू डीफॉर्मेशन एट अ गिवन रेट, है ना। हिंदी में बताए तो किसी तरह का वह तरल, किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। या फिर अपन इसको थोड़ा सरल तरीके से बताएं, उस तरल के गाढ़ेपन या उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता का परिचायक है, है ना। अब जैसे हम एग्जांपल लें, लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर मतलब पानी, पानी के साथ थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है। अब बात आती है रेडवुड विस्कोमीटर वन में, कौन सा ऑयल जो हम यूज़ करें, जो मतलब हम जिससे विस्कोसिटी देख पाए, है ना। तो ऑयल जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है थिन ऑयल और एक होता है थिक ऑयल, ठीक। तो जो रेडवुड विस्कोमीटर वन है उसमें हम थिन ऑयल यूज़ करें, है ना, इसको हम थिक विस्कोस ऑयल भी बोल सकते हैं ना, विस्कस ऑयल, है ना। अब जैसे हम नाम लें थिन ऑयल के, तो हम जैसे वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पीनट ऑयल, केरोसिन ऑयल भी ले सकते हैं हम, केरोसिन, ऑलिव ऑयल वगैरह हो वो भी हम ले सकते हैं ना। तो अब ये तो ठीक है, अब अपन देखते हैं कैसा है हमारा एपरेटस, इंस्ट्रूमेंट कैसा है, एक बार हम उसको चलते हैं हम उसके ऊपर, है ना। चलिए, ये हमारा रेडवुड विस्कोमीटर वन है ना, और ठीक है, इसका हम डायग्राम भी देख सकते हैं, इसका डायग्राम भी है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये पूरा एक हमारा एपरेटस है, इस एपरेटस में क्या है, ये पूरा एक हीटर जैसे कॉइल होती है ना, एक वाटर पाथ है इसके अंदर ना, वैसा काम करेगा। देखो हम दिखाते हैं, ये क्या है, वाटर पाथ है, इसमें कॉइल लगी है, है ना, हीटर कॉइल, इसको हीट करेंगे, ये कॉइल गर्म होगी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वाटर फिल करेंगे, पानी को हम भरेंगे, कहाँ तक भरेंगे, ये इसकी जो रॉड है, ये रॉड क्या है, डिप हो जाए, है ना, डूब जाए, है ना। तो डूबेगी तो फिर क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो जो वाटर है वो बॉयल होगा, गर्म होने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये एक मेटल कप है, मेटल कप है, इस मेटल कप के अंदर हम कोई भी लुब्रिकेंट ऑयल फिल करके रखते हैं ना, कोई भी हम जब ऑयल इसमें यूज़ करेंगे तो हम इसके अंदर फिल करेंगे इस ऑयल को, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है, इसका स्टेयर का क्या काम है, इसको स्टेयर करना, है ना, जैसे वाटर है, वाटर को स्टेयर करना, है ना, ये ठीक है। उसके बाद ये क्या है, थर्मोमीटर है, है ना, इससे हम क्या करेंगे, अपना टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है, इसको हम टेम्परेचर देखेंगे। उसके बाद इसकी बात आती है, इसको बोलते हैं बेल्वी रोड, है ना। इसका डायमीटर कितना है इसका, 1.62 1.62 mm, ठीक है।
और इसकी जो लेंथ का है ना, लेंथ कितनी है 10 mm, कितनी है लेंथ इसकी 10 mm, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका जो हमारा रेडवुड विस्कोमीटर है इसका जो माउथ है वो कैसा है, स्मॉल माउथ है ना, छोटा सा आपको एक होल दिख रहा होगा, है ना, छोटा सा एक माउथ है ना। तो हम क्या करते हैं, जो ये हमारी रॉड है ना, इस रॉड को हम क्या करते हैं, उसके माउथ के ऊपर हम इसको रख देते हैं, है ना। इसको हम उसके माउथ के ऊपर रख देंगे तो क्या होगा, ऐसा माउथ पर रखेंगे, जो भी हम ऑयल ले रहे हैं हम इसमें जब फिल करेंगे तो वो ऑयल क्या होगा, नीचे की ओर मूव नहीं कर पाएगा, रुक जाएगा, है ना, स्टॉप हो जाएगा यहाँ पर। जब तक कि हम ये रॉड नहीं उठाएंगे, हम ये वाली रॉड, जब तक ऑयल इसमें भरा रहेगा, फिल रहेगा पूरा, है ना। जैसे हम इस रॉड को उठाएंगे तो ऑयल क्या होगा हमारा, नीचे डाउन डाउन बर्ड मतलब नीचे की ओर मूव करने लग जाएगा, नीचे गिरने लग जाएगा ऑयल, ठीक है। तो ये रॉड उस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब करना क्या है हमें, सबसे पहले हमने जो ये वाटर पाथ, इस वाटर पाथ में हमें क्या करना है, वाटर को फिल करना है, ठीक है। तो हम पहले हम वाटर को फिल करते हैं, फिर हम आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। ये हमने वाटर फिल कर लिया, ठीक है ना, क्या हुआ, वाटर को हमने फिल कर लिया, ये पूरा वाटर जो है कॉइल डूब गई, ठीक है। ये क्या है, ये इनलेट है, इनलेट मींस जैसे ये पानी हमने भरा वाटर, अब जैसे हमें इसको खाली करना है तो हम इसको ओपन करेंगे तो पानी यहाँ पर निकालना होगा, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ना, ये इसका पानी को निकालने का काम करता है इनलेट, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हो गया हमारा वाटर भी फिल हो गया। अब जैसे कि आपको बताया था कि हम इसमें क्या रेडवुड विस्कोमीटर वन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, थिन ऑयल, है ना, थिन ऑयल में हमने क्या नाम दिया था, कैरोसिन, है ना। तो जैसे कि ये रहा, है ना, कैरोसिन कितना 50, है ना, 50 ml, 50 ml हम लेंगे इस कैरोसिन को। इसके मेटल जो कप है, यहाँ पर हम पहले रॉड को देखेंगे, हाँ, इसकी रॉड हम इसके माउथ पे फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद जो हमने ये कैरोसिन लिया है, है ना, इस कैरोसिन को हम इसमें मेटल जो कप है इसको हम फिल करेंगे, है ना। ऑयल को हम क्या करेंगे, कैरोसिन को इसमें फिल कर देते हैं। कैसे, पहले हम थोड़ा सा डालते हैं ना, थोड़ा सा हम देखते हैं कि हाँ नीचे की ओर गिर तो नहीं रहा इसका ऑयल, नहीं गिर रहा, ठीक है। अब हम इसको पूरा फिल कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इस वीकर को हम इसके नीचे रख देते हैं, और ऐसा रखना है कि ऑयल जब हम रॉड उठाएं तो ऑयल इसके अंदर ही पूरा मूव होके यहीं इकट्ठा हो, कहीं ना गिरे, है ना, ठीक है। ये हमने इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब करना क्या है, जब हम इस कैरोसिन की हम विस्कोसिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि रूम टेम्परेचर हमारा कितना है, अभी 20 degrees है कि 25 है कि 30 है ना, है ना, रूम टेम्परेचर देखेंगे हम। रूम टेम्परेचर अब एक बार हम इसकी रीडिंग लेंगे, कैसे लेंगे, इस रॉड को उठाएंगे, जो इसमें ऑयल है वो पूरा क्या होगा, नीचे की ओर मूव करेगा। हमें स्टॉप वॉच ऑन करना पड़ेगा ना, या तो हम स्टॉप वॉच ये यूज़ कर सकते हैं हमारे पास है, या फिर हमारे पास सेल फोन मोबाइल के अंदर हम स्टॉप वॉच को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस स्टॉप वॉच को हम ऑन करेंगे, इसको रॉड को उठाएंगे, जो भी ऑयल हमने फिल किया वो कितने मिनट और कितने सेकेंड में वो यहाँ पर आ रहा है ना, ठीक है। हम ऐसा देखेंगे, हम जो भी हमारा रूम टेम्परेचर है हम उस पर देखेंगे रीडिंग, फिर एक रीडिंग हम यहाँ से लेंगे 40 degrees से, हम 40 degrees पे इसको हीट करेंगे, 40 degrees पे गर्म करेंगे, एक रीडिंग देखेंगे 40 degrees पे कितना हमारा मिनट कितना सेकंड हो रहा है, फिर हम ऐसे 50 degrees पे इसको गर्म करेंगे, फिर हम 60 पे, फिर 70, फिर 80, ऐसे हम 5 रीडिंग लेंगे इसकी, है ना, 40 से लेके 80 तक हम इसकी 5 रीडिंग लेंगे। वो 5वीं रीडिंग हम कैसे लेंगे, वो हम स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, रॉड उठाएंगे, उसका जो ऑयल है वो नीचे जाएगा, हम देखेंगे कितने टेम्परेचर में कितने सेकेंड या मिनट में कितना हमारा ऑयल मूव हो रहा है ना, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, अभी हम क्या करते हैं इसको, अभी हमारा रूम टेम्परेचर 30 degrees है ना, 30 degrees है, तो हम एक रीडिंग लेके देखते हैं कि बिना ऑन करें पहले एक रीडिंग लेते हैं ना, कितना हमारा ऑयल की कितने सेकंड आ रहा है, कितना मिनट है ना, ठीक है। कैसे करेंगे, ये हमारा ऑयल, इस रॉड को हम उठाएंगे, है ना, पहले हम स्टॉप वॉच निकालते हैं अपना,
ठीक है, ये हमारी स्टॉप वॉच हमने अपने सेलफोन में निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, ये रॉड है ना, स्टॉप वॉच को यहाँ रख लेते हैं हम। इस रॉड को उठाया हमने और ये हमने ऑयल रॉड फूफा करा और ये हमारी स्टॉप वॉच ऑन हो चुकी है। और ये ऑयल देखो हमारा बीकर में पूरा आ रहा लगा है, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को कि ऑयल मूव हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है ना, बीकर में कलेक्ट हो रहा है पूरा ऑयल, ठीक है। और भी इसमें ऑयल है ना, दिख रहा है आपको, इसमें ऑयल दिख रहा होगा। जब तक ये पूरा ऑयल लास्ट इसकी ड्रॉप इसमें ना गिर जाए, जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं, है ना। जैसे ही लगे कि हाँ ऑयल हमारा ख़त्म हो गया, पूरा ऑयल हमारा इस बीकर में कलेक्ट हो गया, तो इसको हम स्टॉप वॉच को रोक लेंगे ना, स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। अभी नीचे ऑयल जा रहा है ना, थोड़ा सा और ऑयल बचा है जो कि नीचे आ रहा है, नीचे की ओर डाल जा रहा है ना। वो कितनी तेज़ी से आ रहा है, बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, ठीक है। कितना 53 सेकंड लग गया है ना इस ऑयल को नीचे मूव करने में, 53 सेकंड लग गया है, मतलब कि अभी 30 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है ना, 30 डिग्री टेम्परेचर में 53 सेकंड लग रहा है। जब हम इसको हीट करेंगे, जब ये 40 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 40 डिग्री में हम देखते हैं कि हमारे सेकंड बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, है ना, तो हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको याद रख लेंगे कि हमारा 30 डिग्री में 53 हो गया। अब इसको हम रॉड को वापस इसके माउंट पे लगाएंगे, हमने लगाया, जो ऑयल हमारा नीचे की ओर कलेक्ट हुआ है हम इसको फिर फिल करेंगे पूरा, ये हमने फिल किया पूरा ऑयल को, ठीक है, ऑयल को फिल किया। इस स्पीकर को हम वापस नीचे लगाएंगे, है ना, इसके सेंटर में, कि ऑयल यहाँ कलेक्ट हो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है। हम इसको ऑन करेंगे तो जो वाटर पाथ, जो इसमें हीटिंग जो कॉइल है, वो क्या करेगी, क्या काम करेगी, वो जो हमारा वाटर है उसको बॉइल करेगी, उसको गर्म करेगी। जब वो गर्म होगा तो हमें पता चल जाएगा कि अभी 30 डिग्री पे, जब हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री पे आ जाएगा तो हम इसका जो पावर है ऑफ कर देंगे, फिर इसकी रॉड उठाएंगे और जो हमारा ऑयल नीचे मूव होगा इस बीकर में कलेक्ट होगा, हम फिर देख लेंगे कितने सेकंड में आया है ना, हम स्टॉप वॉच ऑन करेंगे। अभी इसको थोड़ा गर्म हो जाने दें, ठीक है। अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ टेम्परेचर ना, 34 तक आया, 34 ना, मगर हमें 40 पे करना है ना, तो थोड़ा सा और हीट हो जाए फिर हम करते हैं। अब देखो हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री पर आ गए है ना, देखो आपको दिख रहा हो शायद, दिख रहा है 40 डिग्री पे आ गए है ना, ये एक ब्लैक लाइन से ऊपर जा रहा है स्ट्रेट, है ना, वो क्या इंडिकेट कर रही है कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ना, 40 डिग्री पे आ चुका है, ठीक है। अब करेंगे क्या, हम इस पावर को ऑफ कर देंगे, बंद कर दिया हमने इसको, ठीक है। बंद करने के बाद हम अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट करने से पहले इसको ऑन कर लिया, है ना, ऑन कर लिया, ये हमने हटाया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस रॉड को हम उठाएंगे और अपनी स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे, ठीक है। एक रीडिंग लेके मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी इस तरीके से रीडिंग लेते हैं अपन, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ये हमने करा, या हमने ये स्टार्ट कर दिया और इस रॉड को उठा के यहाँ टांग दिया, ठीक है। अब ऑयल क्या हुआ, नीचे की ओर फ्लो होने लगा, ठीक है, ऑयल फ्लो होने लगा। और जब तक कि पूरा ऑयल इस बीकर में कलेक्ट ना हो जाए, जब तक हमारी स्टॉप वॉच टाइमिंग चलता रहेगा ना, जैसे ही हमें लगेगा कि हमारा जो ऑयल है वो पूरा बीकर में आ गया है, तो हम इसको रोक लेंगे, स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हाँ, जब हमने 30 डिग्री रूम टेम्परेचर में हमने जब पहली रीडिंग ली थी तो 53 सेकंड में आई थी, अब हमारी रीडिंग बढ़ रही है या फिर उससे कम हो रहा सेकंड टाइम, है ना, तो हमें ये देखना है, ठीक है। तो अब हमारा ऑयल जो है ये आने वाला है, है ना, तो हम ये देख लें कि हाँ हमारा ऑयल पूरा वो हो चुका है, ठीक है। कितना 40 डिग्री में हम देखें तो हमारा 53 था, जब हमने पहली रीडिंग ली थी 53 30 डिग्री में, अब हमारा 40 डिग्री हमने लिया तो 46 हो गया ना, 46 सेकंड, मतलब कहीं ना कहीं 53 से नीचे आ गए हमारा, मतलब डिक्रीज हो रहा है, 46 हो गया, ठीक है।
तो एसी हमें रेटिंग लेना है, 5 रेटिंग लेना है, 40, 50, 60, 70, 80 है ना, 40 से लेके 80 तक हम 5 रेटिंग लेंगे। करना क्या है, इस रॉड को हमें इसके माउथ पर लगाना है, इस ऑयल को वापस इसमें फिल करेंगे, ठीक है। तो इसको हम वापस नीचे लगाएंगे इसके सेंटर पे, इसको ऑन करेंगे जब 50 पे आएगा, फिर ऐसे ही करेंगे जब 60 पे आएगा इसका, फिर रोड हटाएंगे, फिर हम टाइमिंग करेंगे, ठीक है। इतना तो आ गया समझ में कैसे रीडिंग लेना है ना। अब इसका ग्राफ, ग्राफ कैसे बनता है अपन बताते हैं, चलो है ना। ठीक है, अब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, ये एक काम करते हैं, इसको हम क्या लिख लेते हैं, ये हम ले लेते हैं टाइम एंड सेकंड, है ना, अपना टाइम और सेकंड के लिए लेते हैं, ठीक है। ये हम ले लेंगे टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर है ना डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं जीरो से, ये हमारा टेन, अब टाइम सेकंड के लिए हमने क्या करा, इसको प्लॉट कर लिया 10 है ना, 20 ऐसे 30, 40, 50, 60, 70, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। अब जब हमने रूम टेम्परेचर हमने दिया था, रूम टेम्परेचर कितना, 30 डिग्री था, तो 30 डिग्री से देखें हम, हमारी रीडिंग कितनी आई थी, 53 है ना, यहाँ से हम देखें यहाँ पर, ये हमारा हो गया मान लीजिए है ना 30 डिग्री जब टेम्परेचर था, 30 डिग्री टेम्परेचर में 53 यहाँ पर हमारा सेकंड पे हमारा वो हुआ था ना, ठीक है, फैसिलिटी। अब फिर जब हमने 40 डिग्री पे हमने सेकंड बार हमने रीडिंग ली 40 डिग्री पे, तो हमारा टाइम सेकंड कितना 46 आ गया था, ठीक है, यहाँ रख देते हैं 46। तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये हमारा 53 था, यहाँ 46 है ना, तो कहीं ना कहीं मतलब क्या हो रहा है, ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है ना, नीचे मतलब डाउन हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो हम ये देख सकते हैं इसमें कि जो हमारे ऑयल की विस्कोसिटी है ना, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, कम हो रही है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो वैसे वैसे जो हमारा टाइम सेकेंड है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है ना। तो उसको हम देख के समझ सकते हैं कि हाँ हमारी विस्कोसिटी, जो हमने केरोसिन लिया है ऑयल, उसकी विस्कोसिटी क्या हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे डाउन हो रही है, कम होती जा रही है ना, ठीक है। तो ऐसा हम ग्राफ बना सकते हैं, इस तरीके से ग्राफ को बना के हम शो कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, जब आप आएंगे आप करके देखेंगे, 5 रेटिंग लेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने करी है ऐसा करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इस प्रैक्टिकल को अपन यही समाप्त करते हैं, इसका एंड करते हैं, और आप इस वीडियो को देखें आप 2-3 बार, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। आज ओके, बाय।